kids. How are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai bachche aapka? Assembly time hai. And in our assembly time today, we will do use of this and that. Okay, bachcha? हम अपने क्लास में असेंबली टाइम में आज हम दिस एंड दैट वर्ड का यूज करना सीखेंगे. ओके बेटे, बट इससे भी पहले बच्चा सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 21. टुडे इज 21 एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज फ्राइडे. व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन? January month is going on. And which year is going on? 2022 is going on. Okay, beta. तो आज हम क्या करने वाले हैं? Use of this and that. So, shall we start? Okay, let's start. Kids, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और live class में अपनी मैम को भी बताना जब आपसे आपकी मैम पूछेंगी. Okay, beta. Beta, this or that, two words हैं. One word is this and second word is that. Clear? This and that word. सबसे पहले तो एक जो most important thing है वो आपको learn करनी है कि this and that जो word है उसका use हम only one thing के लिए use करते हैं. Okay? हम only one thing के लिए किसका use करते हैं? This and that का. अब जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? ये marker है. ठीक है? One marker है. एक ही चीज है ना मेरे पास, कोई ज्यादा मार्कर तो है नहीं. वन थिंग है, वन मार्कर है. तो अब मैं ये बोलूंगी दिस इज अ मार्कर या दैट इज अ मार्कर, बट आपको ये समझना है, मैं दिस एंड दैट का यूज करना आपको बताऊंगी कि दिस का यूज कब करना है और दैट का कब करना है. बट आप एक बार ये चीज ध्यान रखो कि हमेशा एक चीज के लिए, हमेशा वन थिंग के लिए हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं. अब सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या है बच्चा कि दिस हम कब यूज करते हैं और दैट कब यूज करते हैं. ठीक है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि दिस एंड दैट का यूज हम कितनी चीजों के लिए करते हैं? ओनली वन थिंग के लिए. ओनली वन थिंग के लिए हम लोग दिस एंड दैट का यूज करते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि दिस का यूज हम क्यों करते हैं. ठीक है, कब करते हैं? व्हेन वी यूज दिस वर्ड. कब यूज करते हैं हम बेटा? जब कोई भी चीज हमारे पास है, हमारे नियर है. जैसे अभी क्या है, ये मार्कर मेरे नियर है, मेरे पास है. अगर यहां पर पड़ा है तो मैं इसके पास ही खड़ी हूं ना, इसके नियर ही खड़ी हूं. जो चीज आपके नियर होती है, आपके पास होती है, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. किसके लिए दिस का यूज करते हैं? जो चीज आपके बिल्कुल पास होती है. ठीक है, इसी तरीके दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज हमसे दूर होती है. ठीक है, आपके पास, आप यहां पर खड़े हो, कोई चीज आपसे थोड़ी सी दूर पड़ी है, तो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज दैट, कि वो क्या है, वो तो बड़ी दूर, थोड़ी सी दूर पड़ा है ना, तो दूर जो चीज पड़ी होती है उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं. क्लियर? तो टू मेन थिंग्स जो आपको लर्न करनी है वो ये है, दिस एंड दैट इज ओनली यूज फॉर वन थिंग. ठीक है, ओनली एक चीज के लिए हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं. बट वेन वी यूज दिस, कब यूज करते हैं? जो चीज हमारे पास होती है. देन हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं. बट हम दैट का यूज कब करते हैं? जो चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं. दिस जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास में रखी है, अभी मार्कर आपके पास है तो आप दिस का यूज कर रहे हो. अगर कोई भी चीज आपसे दूर पड़ी है तब आप दैट का यूज करोगे. क्लियर बेटा? अब मैं आपको वैसे बताती हूं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है बेटे, यूज ऑफ दिस एंड दैट कर रहे हैं हम. दिस इज अ बॉल. अब ये बॉल क्या है? यहां पर है, इस सेंटेंस के बिल्कुल पास में है ना. जो चीज पास होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं? दिस. लेकिन बॉल कितनी है? वन है. वन के लिए हमेशा दिस दैट, दोनों में ही वन चीज के लिए यूज करते हैं. अगर यहां पर बहुत सारी बॉल होती तो हम दिस एंड दैट का यूज नहीं करते. क्लियर? यहां पर क्या है? दैट इज अ बॉल. दैट इज अ बॉल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो बॉल है वो इस सेंटेंस से देखो थोड़ी दूर है ना, तो यहां पर हमने क्या लिखा? दैट इज अ बॉल. क्लियर बच्चे?
तो जो चीज हमारे पास है नियर है वहां पर दिस, जो चीज दूर है फार है वहां पर दैट। क्लियर? इसी तरीके से बेटा देखो ये क्या है, डैश यहां पर मैंने दिस दैट कुछ नहीं लिखा, आप मुझे बताओगे, लिखूंगी मैं आप मुझे, लेकिन बताओगे कि क्या वर्ड आएगा। डैश इज अ पेंसिल, क्या है? एक पेंसिल है, यह एक पेंसिल है। तो पेंसिल क्या है, नियर है या फार है, क्या है, पास में है या दूर में है? दूर है ना, तो पेंसिल दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, दैट, क्या आ जाएगा, दैट। क्लियर बच्चे? डैश इज अ पेंसिल। अब ये पेंसिल क्या है, नियर है, पास है, तो पास की चीज के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस, दिस इज अ पेंसिल। क्लियर? और हिंदी में दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। क्लियर बेटा? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वही आपको लर्न करनी है। क्या दिस एंड दैट ओनली वन थिंग के लिए यूज होता है, दिस जो चीज आपके नियर है वहां पर यूज होता है, और दैट जो चीज आपसे दूर है वहां पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव क्लास में अपनी मैम से पूछ सकते हैं। ओके बच्चा? और अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्लियर? सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।